बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे सीरम की बात करना चाहूंगी जो मैंने आप लोगों के बहुत इसरार पे क्रिएट किया। सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, नूर बाय जुगल काजिम एज अ ब्रांड बिल्कुल भी वाइटनिंग और अपने स्किन टोन को चेंज करना और अपने आप को यू नो केमिकल्स और स्टेरॉइड्स के थ्रू वाइट करने के बहुत खिलाफ है। क्यों? क्योंकि एज अ ब्रांड हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को पुश करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा हम नेचुरल और हर्बल चीज़ों की तरफ जाएं उतना ही बेहतर होगा। हमारा ब्राइटनिंग सीरम करता क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हाथ जोड़। ये जो 3-4 क्रीमों के कॉम्बिनेशन बना के बहुत सी लड़कियाँ लगाना शुरू हो गई हैं, प्लीज़ ये करना छोड़ दें। क्योंकि होता ये है कि ये कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, हर ब्रांड की अपनी एक वो होती है इंपॉर्टेंस और वैल्यू, बट जब आप ब्रांड्स कुछ जो पॉपुलर है मार्केट में, जो मतलब नेचुरल नहीं है बट मतलब पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उनको जब आप कंबाइन करके और साथ में स्टेरॉयड की क्रीमें फार्मेसी से लेके उसमें मिक्स करते हैं तो आपको उस वक्त तो फौरन एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन वक्त के साथ आपकी स्किन जो है वो पतली हो जाती है, मुंह पे बाल आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं और बहुत मेजर स्किन के मसाले आ जाते हैं, आपकी एजिंग वक्त से पहले हो जाती है। तो प्लीज़ अजीबो गरीब चीज़ें करके अपने आप को पूरा करने की कोशिश मत करें। रब ताला ने हर किसी को बहुत खूबसूरत बनाया है और आप अपनी खूबसूरती को इन्हांस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ल बदलने की कोशिश ना करें। मुझे लोग कहते हैं आप कैसे गोरी हुई, मैं इसी कलर की पैदा हुई थी, मैंने कुछ ना लगाया ना कुछ किया, लेकिन जब आप लोगों ने कहा कि हमें कोई चले स्किन वाइटन करने का नहीं तो कुछ ब्राइटन करने के लिए दे दें ताकि आपकी स्किन टोन ब्राइट हो जाए, दो टोन्स लाइटर हो जाए स्किन, और स्पेशली अगर आपको डार्क पैचेस पड़े हुए, बहुत सी खवातीन को प्रेगनेंसी में यहाँ गर्दन की साइडों पे काला काला हो जाता है, मतलब खवातीन सिर्फ नहीं मर्द रखती, मैं बहुत से मर्दों को जानती हूँ जिनको जिनके यहाँ पे नेक के साइड पे काली काली लाइनें पड़ जाती हैं, यहाँ पे पेट के साइड्स पे पड़ जाती हैं और चेहरे पे तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बड़ी बुरी छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं भी छाइयों के साथ स्ट्रगल कर चुकी हूँ जब नूर के बारे में प्रेगनेंट थी और अभी भी हल्की हल्की हैं बट पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं, तो ये ब्राइटनिंग सीरम का आइडिया आया। अभी आप पूरे फेस एंड नेक पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे लगा सकते हैं, पैरों पे लगा सकते हैं, अपनी बॉडी के हर हिस्से पे आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक कोई एरिया डार्क है, जैसे कि आपकी यहाँ पे छाइयाँ पड़ी हैं, तो फिर सिर्फ आप उस एरिया पे लगाइएगा तो आपको एक वो लाइटनिंग का इफेक्ट आपको जरूर आएगा। मैं इसलिए बहुत ध्यान से हमारा ये जो ब्राइटनिंग सीरम है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं गोरे होने की क्रीमें और गोरे होने का ये, हम आपकी स्किन को ब्राइट, फ्रेश एंड हेल्दी दिखाने के लिए, आपकी पिगमेंटेशन को कम करने के लिए इस सीरम को हमने क्रिएट किया है। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये क्या करता है, ये आपको सन डैमेज से बचाता है, ये आपकी स्किन को ब्राइटर करता है, आपकी अनइवन टोन को बेहतर करता है, दो टोन्स आपकी स्किन लाइट भी हो जाती है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके इस्तेमाल से एक्नी और डार्क स्पॉट्स भी कम हो जाते हैं, जिनको फ्रेकल्स का इशू भी है वो भी कम हो जाते हैं, तो मॉइस्चराइज भी करते हैं। ये मैं अगर ये कहूँ कि हमने एक मिरेकल प्रोडक्ट क्रिएट किया तो ये बात गलत नहीं होगी। इसमें अब्सॉर्बिक एसिड भी है जो वाइटामिन सी का डेरिवेटिव है, उसके साथ साथ हमारे पास इसमें ग्लाइकोलिक एसिड भी हमने डाला है, जो आपको पता है कि वो बाय इटसेल्फ आल्सो ग्लाइकोलिक सीरम हमने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। कार्बोमेर भी है इसके अंदर, इसके अंदर सोडियम बेंजोनेट भी है, इसमें अल्फा आर्बुटिन भी है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने कंबाइन की है। इसको हम नेचुरल या हर्बल के ही जुमरे में डालेंगे और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज इट हैज ये बाद में कोलेजन, ये हमारी जो कोलेजन होती है स्किन में जो कम हो जाती है वक्त के साथ, उसको भी इन्हांस करता है, एंटी एजिंग भी करता है और एजिंग मतलब एजिंग को प्रिवेंट भी करता है और एजिंग के असरात को भी कम करता है। सो दिस इज अ प्रीटी कूल प्रोडक्ट, मैं आपको कहती हूँ आप एक बार ट्राई करें, आप बार बार इसको खरीदेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। इट इज एन इमीडिएट रिजल्ट्स, That's the amazing thing. It gives immediate results. अभी मैं बात कर रही हूँ तो हमारी टीम के भी लोग कह रहे हैं हमें भी चाहिए, आप जरूर ले लीजिएगा। You can also, of course, use it. अब करना ये है कि आपने इसको यूज ऐसे करना है, जिस भी एरिया के ऊपर आपने इसको यूज करना है उसको पहले वॉश करके नीट एंड क्लीन साफ कर लें, उसको फिर ड्राई कर लें, उसके बाद आपने एक छोटा अमाउंट सीरम अपने हाथ पे डालना है, राइट? सो आपने अपने सीरम को लिया
और इसको अपने हाथों में डाल दिया, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स को। अच्छा, ये अब आपने जिधर भी लगाना है इसको अपनी आपने फिंगर टिप से, अगर पूरे फेस पे लगाना है तो आपने ऐसे करके फेस एंड नेक के ऊपर पूरा लगा लिया तो वो हो जाएगा। अगर आपने फेस एंड नेक पे नहीं लगाना, जैसे अगर आपके किसी एरिया पे सिर्फ छाइयां हैं तो सिर्फ उस जगह पे लगा के उसको छोड़ दीजिएगा, उसको ड्राई होने दें और एटलीस्ट आधा घंटा उसको रहने दें। उसके बाद फिर आपने अगर कोई मॉइस्चराइजर ऊपर से लगाना है तो आप लगा लें। जैसे कि आपने देखा मैंने अभी लगाया, मैंने अपने हाथों के ऊपर कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ और मेरे नकल्स डार्कर हो जाते हैं सन के एक्सपोजर की वजह से। दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट, नूर बाय जुगन काजम का ब्राइटनिंग सीरम इस्तेमाल करें, अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देयर इज एक्चुअली अ ह्यूज मार्क डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर का, आप लिटरली ट्राई करने के फौरन बाद कहेंगे कि क्या बात है जुगन। और अगर ऑर्डर करना है तो www.noorbyjugan.com पे जाएं, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर ऐड कीजिएगा और ब्राइटनिंग सीरम जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू।